हाय गाइस, हमने केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें जेई मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जो तीन कंपाउंड दिए हुए हैं इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास, जो H2 होगा, न्यूट्रल होगा, क्लोरीन होगा, -1 चार्ज होगा। तो यहाँ पे -1 उस साइड पर जाएगा, जाके क्या होगा, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 बनेगा। ओके, ये भी आसान है। बेंजीन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। एक अच्छा कंपाउंड है इसमें, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो K2 होगा, ये कंपाउंड है यहाँ पे, और ये यहाँ पे K2 का क्या होगा, 1 × 2 होगा। ओके, CN का क्या, CN पे K पर क्या होगा, चार्ज +1 होगा। CN पे क्या होगा, -1। और O फर्स्ट ब्रैकेट में दिया और 2 बाहर लिखा हुआ है। ओके, O सिंगल मॉलिक्यूल है, मतलब O पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 × 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब ये क्या दिया, पेरोक्सो ग्रुप, पेरोक्सो ग्रुप पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, -1 होता है। ओके, अब हम लिखते हैं इसका इक्वेशन। तो यहाँ पे K2 मॉलिक्यूल है। ओके, 1 × 2 साइनाइड के 2 है, -1 × 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, -2 × 2 यहाँ पे पेरोक्सो की कितने ऑक्सीजन है, 2 है। ओके, तो -1 × 2 तो क्या होगा, यहाँ पे -2 होगा। और इसका यक्स का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये थर्ड ऑप्शन होगा। ओके, एक गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन होगा इस पर थर्ड ऑप्शन होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सेट मेंटेन CONH3 4 Br2 + Br CaNH3 3। और यहाँ पे ये जो आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा गया है। ओके, तो अब देख सकते हैं हमें यह जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या होगा, MA3B3 है, MA3B3 टाइप का है। ओके, अब ध्यान देने की बात यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कंपाउंड है MA3B3 है। ओके, तो MA3B3 में अगर सीस दिया हुआ है तो सीस में दो आइसोमेर शो करते हैं, एक फेस और दूसरा मोर। ओके, A3B3 में सीस दिया हुआ है तो फेस और मोर दो आइसोमर शो करेंगे। और यहाँ पे अगर ट्रांस दिया हुआ है तो ट्रांस में सिर्फ ये मर आइसोमर शो करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे दो आइसोमर शो करेंगे और ट्रांस में सिर्फ 1 आइसोमर शो करेगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ओके, 2 आइसोमर्स आर द प्रोड्यूसर्स इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज द सीस आइसोमर, ये करेक्ट है। सीस आइसोमर में 2 आइसोमर होते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया है, ओनली 1 आइसोमर इज प्रोड्यूस इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज द ट्रांस आइसोमर, या ओके, तो ऑप्शन होगा बी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सीस आइसोमर है, यहाँ पे जो सीस में जो दो आइसोमर शो कर रहा है, एक फेस और दूसरा मेरिडोनियल। ओके, और यहाँ पे अगर ट्रांस दिया हुआ है तो ट्रांस में सिर्फ मोर आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द 100 ml ऑफ द 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द COCl3.6H2O विद द एक्सेस AgNO3, इसका जो नंबर ऑफ आयंस दिया है AgNO3 का 1.2 × 10⁻²² आर प्रेसिपिटेटेड द कॉम्प्लेक्स इज। ओके, तो यहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्स निकालने, मतलब यहाँ पे जो ये जो कॉम्प्लेक्स हमें इसमें जो प्रेसिपिटेट होने के बाद जो बनेगा कॉम्प्लेक्स वो निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, तो सबसे पहले इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ओके, तो और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्यूट के। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, जो प्रेसिपिटेटेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस है उसे निकालेंगे। ओके, जो प्रेसिपिटेटेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस जो इसमें जो प्रेसिपिटेट होंगे उसे निकालेंगे। और जो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो Cl- प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन स्फीयर जो क्लोरीन आयंस होंगे उसे हम प्रेसिपिटेटेड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ मोल्स इनिश फर्स्ट में हमने निकाले थे उसे नीचे लिखेंगे, और जो प्रेसिपिटेटेड नंबर ऑफ मोल्स है उसे आगे लिखेंगे। ओके, और जो इसका जो वैल्यू आएगा उसे हम कॉम्प्लेक्स के बाहर साइड लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मोलारिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो वॉल्यूम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे यहाँ पे। और हम सेकंड स्टेप में देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट कितने प्रेसिपिटेट हुए उसके लिए हमें दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट, नंबर ऑफ आयंस कितने दिए हुए, 1.2 × 10⁻²² दिए हुए हमें पता है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर करते हैं, ओके, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ
आयंस मिलते तो ना हमें ये नंबर ऑफ आयंस दिए हुए, एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसे डिवाइड करेंगे। ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1.2 × 10^2 अपॉन यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे 0.02 मोल्स आएंगे। ओके अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ दी क्लोरीन प्रेजेंट इन द आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए, अगर ये प्रेसिपिटेटेड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ओके एक ध्यान रखना, उसके बाद 0.02/02 यहाँ पे जो 2 आएगा हम कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखेंगे। ओके कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखेंगे COH2O5Cl, और यह जो Cl2 जो होगा वो बाहर के साइड में होगा, और H2O एक, तो इसमें जो आंसर आएगा यहाँ पे जो Cl2 बाहर 2 आएंगे तो यहाँ पे जो डी आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा इसमें, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया है CONH3CL3, ये जो A3B3 टाइप का है, A3B3 टाइप फेस और मोर आइसोमर शो करते हैं, जो जो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते। ओके तीसरा जो दूसरा कंपाउंड है ट्रांस, ट्रांस जब आएगा तब हमें याद रहना चाहिए ट्रांस कोई भी ट्रांस कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता। ओके तो ट्रांस को ऐसे ही चला गया, ट्रांस भी नहीं दिएगा। अब यहाँ पे जो है A4B2 है, ओके अब हम A4B2 के निकालने की कोशिश करेंगे, A4B2 का क्या होगा, अगर हम ए ए ए ए और यहाँ पे जो होगा बी बी होगा। ओके तो यहाँ पे जो ए हम अगर हम बी एक्सचेंज करेंगे ए बी ए ए और ए बी, ओके तो हम अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ए ए यहाँ पे ए ए ए यहाँ पे ए ए और ए ए रिपीट हो गया, यहाँ पे ए बी और ए बी रिपीट हो गया, तो जब रिपीट होगा तो ए बी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट है सीस ई एन टू सी एल टू, जहाँ पे भी ई एन आएगा, ओके इथेन डायमिन जहाँ पे भी आएगा सीस सीस होना चाहिए हमारा। ओके सीस में अगर ई एन टू जब भी आएगा तो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट कैन एग्जिस्ट फॉर द स्क्वायर प्लेनर PtCl पाइरिडीन अमोनिया और NH2OH, इसको जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें निकालना है। ओके अब इसके हमें पता है यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो कौन सा कंपाउंड है, एम ए बी सी डी का टाइप का कंपाउंड है। ओके अब हम ए बी सी डी के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने की कोशिश करेंगे, ए बी फर्स्ट लिखेंगे ए बी और सी डी, ओके सेकंड कॉम्बिनेशन होगा ए सी और बी डी होगा, ओके थर्ड क्या कॉम्बिनेशन होगा ए डी और बी सी होगा, अब इससे ज़्यादा संभव नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा तीन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द मेटल आयन Me+, उसके ऑक्सीडेशन साइड क्या है Me+ है, विद द फोर मोनोडेंटेट लिगेंड्स L1, L2, L3 और L4 अब्सॉर्ब द वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ द रेड ग्रीन येलो एंड द ब्लू। ओके रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर लिगेंड। ओके यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिगेंड स्ट्रेंथ की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें निकालनी है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड का जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे जो E=hc/λ होता है, ओके E=, क्या होता है hc/λ, तो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो यहाँ पे एल का रेड का जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो रेड का जो एनर्जी होगा सबसे कम होगा, उसी तरह से हम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें एनर्जी का फ्लो मिलेगा, रेड की एनर्जी सबसे ज़्यादा और ब्लू की एनर्जी सबसे नहीं सॉरी रेड की एनर्जी सबसे कम और ब्लू की एनर्जी सबसे ज़्यादा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे L4 जो है मतलब ब्लू जो है अब्सॉर्ब द हायर एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हायर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो भी हाई होगी, तो उसके वजह से उस जो होगा हाई फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसके लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होगी हाई होगी, तो यहाँ पे जो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी जो लिगेंड स्ट्रेंथ भी होगी वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर L1, L3, L2 और L4। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस स्पेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू द एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा वो पूछा गया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है COEN3, ओके COEN3। अब यहाँ पे जो ए टाइप है Me3 टाइप का, ओके Me3 टाइप का है, हमें पता है Me3 टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते। ओके Me3 Me4 Me5 ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते और जो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर देखते हैं, यहाँ पे जो Me3 के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 हो गए, एक डी फॉर्म होगा एक एल फॉर्म होगा। ओके तो सेकंड इज द COEN2Cl2 होगा, ये जो CO2 जहाँ पे भी EN2 आएगा वो जो होगा एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ओके एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तीसरा जो है COEN NH3Cl2, यहाँ पे भी EN है ए भी आइसोमरिज्म शो करेगा, लेकिन ये थर्ड कंपाउंड जो दिया है Me3B3 टाइप का, ये जो क्या होगा Me3B3 टाइप का, ये फेस और मोर आइसोमरिज्म शो करेगा और फेस और मोर हमें पता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ओके तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन होगा जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए जेई मेन्स में। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंडर जो डी ब्लॉक के मिलके क्वेश्चंस दिए, यहाँ पे 68 क्वेश्चंस आए हैं। तो हमें पता है बहुत ज़्यादा वेटेज है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो देखते रहिए। और यहाँ पे अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।